मर्डर करके राजेश जायसवाल का बेटा आया है पूछने के लिए कि ननकू कहाँ। बुला के ले गया, दारू पिला के इसको फसरी लगा के मारा है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर सबको धार में फेंक दिया। मामला पुलिस जिला के कदवा ओपी क्षेत्र का है, जहां कासिमपुर और पकरा बासा के बीच माराधार जलकुंभी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कदवा ओपी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष चंदन दुबे घटना स्थल पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा। वहीं अस्पताल जाने के क्रम में ही रास्ते में स्थानीय लोगों ने मृतक युवक की पहचान कर उसके परिजनों को बताया। सब जब अनुमंडल अस्पताल नौगछिया पहुंचा तो वहां पर मृतक के परिजनों का पहुंचना शुरू हो गया, जहां पर लोगों ने उसकी पहचान गोला टोला कदवा निवासी चानो राम के पुत्र नंद किशोर राम के रूप में की है, जिसके बाद कदवा पुलिस ने मृतक के परिजनों से मामले को लेकर पूछताछ करना शुरू किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक का गला दबाकर हत्या करने के अलावा मृतक युवक का हाथ पैर बांधकर कुछ नुकीले हथियार से कनपट्टी के पास मारा है, जिससे नंद किशोर राम की हत्या हुई है। पूछने के लिए कि तुम्हारा ननकू कहाँ है, मर्डर करके राजेश जायसवाल का बेटा आया है पूछने के लिए कि ननकू कहाँ। कब आया था? शाम सुबेरे आज। चक्का डूबते हुए करीबन 4 बजे शाम में। शाम में? हाँ शाम। राजेश जायसवाल का बेटा का क्या नाम है? इसका नाम है रविया। रवि जायसवाल? हाँ रवि जायसवाल। क्या करता है रवि? ऐसे लोलिंगबाजी करते फिरता है, काम धंधा नहीं करता है ऐसे बहुत जगह। राजेश जायसवाल का मर्डर हुआ था? मर्डर किसका हुआ था पहले? पहले कमना मुखिया का हुआ था। पूरा नाम क्या है? कमलेश्वरी। अच्छा, भगत है बनिया। अच्छा, कमलेश्वरी भगत मुखिया था पहले, उसका बेटा जो नेता है सुनू। हाँ क्या घटना हुआ है? इसको बुला के ले गया, दारू पिला के इसको फसरी लगा के मारा। कौन? राजेश जायसवाल। गोली नहीं मारा। के है राजेश जायसवाल? पहले फसरी लगाया है गले में, उससे जब मन्ना नहीं दिया है तब जाके उसको गोली मारा, और कपड़े सब उसका खोल के ले लिया है। कपड़े जो पीना है वो कपड़े एक भी नहीं है उसके पास। कौन कौन? जो मारा होगा वही लिया होगा। राजेश जायसवाल का बेटा के है? खैरपुर का। अच्छा, दुश्मनी था क्या पहले? कोई क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो वो केस में पहले फंसाया था इसको कि उसके पिता को इसी ने मारा है, झूठ मूठ बोलता था। क्या? लेकिन गांव का आदमी भी बोला है कि नहीं मारा है ये, मारने वाला तो उसका जिसका जमीन हड़पाया था वो मारा था। कब का घटना? उसके पिता का? उसका पिता का घटना हो गया 3 साल। 3 साल भाई का क्या नाम है? नंद किशोर। तोरा? मुकेश राम। ओके छियो? ओकरा भाई छिके महिला। अच्छा, ये कहाँ मिल रहे बॉडी? पकड़ा बसम। कौन अवस्था में? मरा हुआ ही मिला। मृतक की हत्या के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि मामला स्थानीय विवाद और रंजिश का लग रहा है। वैसे अभी नहीं कहा जा सकता कि क्यों मारा गया है और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बारे में कदवा पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है। नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि युवक की गला दबाकर व किसी नुकीले हथियार से हमला कर हत्या की गई है। साथ ही मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अज्ञात डेड बॉडी मिला था, इधर है आपका कदवा थाना क्षेत्र में, तो वहाँ हम लोग जा करके उसका मुआयना वगैरह किए थे। बहुत देर तक सबका पहचान नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सबका पहचान हुआ, उनका नाम हम सब क्लियर हो चुका है। सूचना यह है कि कल शाम को 6 बजे से घर से वो लापता थे, और सुबह में डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोंट के उनकी हत्या की गई है, लेकिन सर पे खून बहता हुआ जख्म भी है, तो वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का मतलब किस हथियार से है जख्म हुआ है, उसका जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। किस तरह से मारा गया है और हाथ पैर से? जो डेड बॉडी का कंडीशन था वो तो यही लगता था कि उनको जो है गला घोट के मारा गया है। जो गर्दन पे निशान है, किसी चीज़ से कसने का निशान है जो बन जाता है, तो वो है, और जख्म भी है, तो कहना मुश्किल है कि पहले जख्म हुआ या पहले गला घोटा गया, तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है, हम बताते हैं, लिखा है मैंने, एक मिनट, नंद किशोर राम। इनके पिताजी का नाम है चंद्रदेव राम, रहने वाले गोला टोला के।
सर दूरी घटनास्थल से बहुत है, बड़ा था क्या? हाँ, इसका मतलब है घर से हमको लगता है कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा का दूरी है, और वहाँ तक या तो बहला फुसला के कोई लेके गया या ज़बरदस्ती लेके गया। ऐसे जो मृतक हैं इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, एक बहुत पहले मर्डर हुआ था 4 साल पहले लगभग, उसमें भी जेल भी गए हैं, और बाकी देखते हैं कि कहीं उसी दुश्मनी के वजह से तो इनकी हत्या नहीं हुई। बोला जा रहा शराब पिला के इसको हत्या किया गया है। हम लोग भेसरा को प्रिजर्व रखे हैं, घर वाले का इस तरह का आशंका है, लेकिन वो पोस्टमार्टम में भेसरा का रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि शराब पिलाया गया है कि नहीं। मृतक का वेसरा रिपोर्ट सुरक्षित रखा गया है, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा।